गाइस बिगिन माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज के वीडियो में बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स O30 आईफोन में कॉलर आईडी को चेंज गाइस कैसे करें। गाइस अगर आप अपने फोन में कॉलर आईडी चेंज गाइस करना चाहते हैं, जैसे कि पॉपअप विंडो ठीक है, या फिर फुल स्क्रीन लगाना चाहते हैं, तो अगर आप अपने फोन में कर नहीं पाते हैं विंडो को लगाना, विंडो वाइज लगा सकते हैं, दो पॉपअप बन के आएगा कॉल आने पर ठीक है, या फिर अगर अपने फोन में फुल स्क्रीन के साथ में लगाना चाहेंगे तो फुल स्क्रीन के साथ में भी गाइस बिल्कुल लगा सकते हैं। तो कॉलर आईडी चेंज गाइस कैसे करना है ये मैं गाइस आपको बिल्कुल करके बता रहा हूं ठीक है। तो अगर आप अपने फोन में कॉलर आईडी चेंज गाइस करना चाहते हैं बिल्कुल गाइस कर सकते हैं। साइड में देखिए आपको फोन में लगा ठीक है, इसके लिए अपने फोन में डायलर पहले गाइस ओपन कर लेना ठीक है। डायलर जब गाइस ओपन करेंगे सेटिंग वाले आइकन पे गाइस क्लिक कर लेना, और यहां पर जब गाइस क्लिक करेंगे ठीक है कुछ इंटरफेस आएगा, आपको कॉलर आईडी डिस्प्ले का एक ऑप्शन है ठीक है, इस पर गाइस क्लिक कर लेना। इस पर जब गाइस क्लिक करेंगे पॉपअप विंडो, यहां पर अगर आप गाइस क्लिक करके यूज गाइस करेंगे ठीक है, कॉल आने पे सिर्फ दो पॉपअप यहाँ पे गाइस ऐसे सेम शो होगा ऊपर डिस्प्ले के साइड में ठीक है, कैमरा के साइड में। और अगर फुल स्क्रीन के साथ में गाइस करना चाहेंगे, इसको फुल स्क्रीन पे जब गाइस क्लिक कर देंगे कोई भी कॉल आएगी बिल्कुल गाइस आपके फोन में यहाँ पे फुल स्क्रीन के साथ में गाइस शो होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जो कॉलर स्क्रीन आपकी है ठीक है। तो अगर आप अपने फोन में कॉलर आईडी को चेंज गाइस करके पॉपअप विंडो या फिर गाइस फुल स्क्रीन के साथ में यूज गाइस करना चाहते हैं बिल्कुल गाइस कर सकते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ।